हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान पाली जिले के मारवाड़ उपखंड के सिरियारी व बोपारी के बीच स्थित प्रेम हिना प्राइवेट लिमिटेड मेहंदी की फैक्ट्री में कार्य करने वाले 3 श्रमिकों की सड़क दुर्घटना हुई थी। सरपंच राजू सिंह फुलाद ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों श्रमिकों को उदयपुर चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां श्रमिक सुरेश पुत्र प्रभु सिंह रावत उम्र 22 वर्ष निवासी खोडिया पुलिस थाना बगड़ी नगर की इलाज के दौरान मृत्यु होने पर दिवेर के राजकीय चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर मृतक को जसाखेड़ा होते हुए खोडिया लेकर पहुंचे थे। फैक्ट्री के कार्मिक बॉडी को बगड़ी थाना पुलिस व फैक्ट्री मालिक की तानाशाही व मिली भगत से बॉडी को पुलिस जबरदस्ती सोजत चिकित्सालय लेकर चली गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण फैक्ट्री के बाहर एकत्रित हो रहे हैं और धरने और मुआवजे की मांग रख रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और सिरियारी थाना पुलिस मौके पर मुस्तैद है। इस बारे में पाली जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला से दूरभाष पर बात करने पर बताया कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान फुलाद सरपंच राजू सिंह, गजेंद्र सिंह, राजू सिंह, जीवन सिंह, रमेश भवर सिंह, पुष्पेंद्र मुकुट सिंह सहित रावत समाज के बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए राजू सिंह सरपंच फुलाद इन्होंने ये कहा, तो आम जन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है कि कितने बजे फैक्ट्री खुलती है और कितने बजे फैक्ट्री बंद होती है और मजदूर घर से कितने बजे मजदूरी के लिए निकलता है और रात को वो मजदूर कितने बजे अपने घर वापस पहुंचता है और कितना काम करवाया जाता है और कितना मजदूर को पेमेंट दिया जाता है, ये सारे राज खोले जाएंगे। अंदर एक गैस अमोनियम गैस का उपयोग किया जाता है, वो गैस भी नियमों के विरोध है और हमारी यहाँ की जो आसपास की जमीन है इनके केमिकल की वजह से हमारे बेरों में भी पानी खराब हो गया है। हम हर हद तक पहुँचेंगे, अगर ये मानवता से पेश होते तो अभी हम मानवता पे आएंगे। इनसे समझौता हो जाएगा वो अलग बात रही, पर जो बगड़ी थाना वालों ने जो षड्यंत्र किया है उनसे पीछे नहीं हटेंगे। हमारे विधायक साहब से हमने अभी बात की है, विधायक साहब जयपुर से निकल गए, वो भी आ गए, आ रहे हैं और वो पहुंचेंगे मौके पे। और अभी SDM ने कॉल किया है कि बोले आप सोजत आ जाओ। अरे SDM साहब, आपके दिमाग में कचरा होगा, आप तो क्या सरकार का मंत्री यहाँ पहुँचेगा? जब तक मंत्री नहीं आएगा और हमारी वाजिब मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये जनता अड़ी रहेगी। हमारे पूर्वज 1,000 साल तक रह सकते हैं तो हम यहाँ अड़े रहेंगे। और इनके दिमाग में, प्रशासन के दिमाग में और भी कोई कचरा हो कि दलाली और ये मंथली जो टोकन लेते हो आप, ये अंडरग्राउंड जो फीस लेते हो, उसके चक्कर में अगर जनता को बेखावे में लाते हो तो ये संभव नहीं है। ये जनता जाग चुकी है, ये जनता जो निर्णय लेती है कोई निर्णय सर्वमान्य होता है, न तो प्रशासनिक अधिकारियों का निर्णय सर्वमान्य होता है और न इन फैक्ट्री वालों का निर्णय सर्वमान्य होता है। निर्णय आज जनता लेगी, जो निर्णय जनता का रहेगा वही निर्णय सर्वमान्य माने जाएगा। चाहे हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े हम गुजरेंगे। इस फैक्ट्री वाले ने कई बार धमकियां दी लोगों को, इसकी बसें रोड पे चलती है, रोड पे बसों में लगभग सीटिंग से 3 गुना ज़्यादा सवारियां बैठ के आती है और नाबालिग बच्चे उसमें बच्चियां बैठ के आती है और इनकी गाड़ियां रोड से नीचे नहीं उतरते और नहीं उतरते थे। इनके ड्राइवर, इनके दलाल, इनके मुनीम और इनके सेटों द्वारा धमकी दी जाती है कि आपको एक्सीडेंट करके मार दिया जाएगा। और आज मैं कह रहा हूँ इनके खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज कराएंगे कि इनकी जान से मारने के एक्सीडेंट द्वारा धमकी दी जाती है। ये भी बस यही है, इसके बावजूद हमारी टीम अंदर बैठी है, मैं वापस आ रहा हूँ और जो बात होती है जनता के सार्वजनिक की जाएगी। जय हिंद। जागरूक टीवी के लिए पाली से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।